नगर पालिका कर्मचारी महासंघ अंबाला सदर के कर्मचारी आज से 8 अक्टूबर तक 3 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज की भूख हड़ताल की अध्यक्षता जिला प्रधान राजेंद्र कुमार कर रहे हैं। अपनी मांगों में ठेका प्रथा समाप्त करना, दैनिक वेतन बजोगी कर्मियों को पक्का करना शामिल है। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी काफी समय से हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार व कर्मचारियों के बीच अभी सहमति नहीं बन पा रही है, जिस कारण कर्मचारी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज से 3 दिनों तक कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल के बारे में बताते हुए प्रधान राजेंद्र कुमार ने बताया कि आज की यह भूख हड़ताल पूरे हरियाणा में की जा रही है और हमारी मांगे हरियाणा सरकार से हैं, जिसमें सरकार समय रहते ठेका प्रथा को समाप्त करे, अभी सभी प्रकार के कर्मचारियों को पैरोल पर करे, अनुबंधित आधार व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पक्का करे, जैसी कई मांगे हैं। उन्होंने बताया 6-7-8 अक्टूबर को 3 दिवसीय भूख हड़ताल होगी। आदि सरकार ने फिर भी उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो वह 13-14-15 अक्टूबर को जनता के बीच जाकर सरकार की पोल खोलने के लिए जनता को पर्चे बांटे जाएंगे। यदि फिर भी सरकार न चेती तो कर्मचारी 28-29 अक्टूबर को 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो कर्मचारी अपने संघर्ष को और तेज करेंगे। मेरा नाम रजिंदर कुमार है और मैं जिला प्रधान हूँ नगर पालिका कर्मचारी संघ में, और सरकार से हमने निकाय मंत्री जी से कई बार वार्ता कर ली, लेकिन हमारी समस्या का हल नहीं हो रहा। हमारा ये कहना है ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करते हुए सभी को सरकार सभी प्रकार के कर्मचारियों को अनुबंध आधार वालों को भी साथ में लगा के, पार्ट टाइम को भी लगा के सबको पेरोल पे किया जाए, और पेरोल के बाद जो कर्मचारी हमारे पास हैं उन सबको पक्का भी करे सरकार, ताकि हमें ये रोज की हड़ताल ना करनी पड़े। नहीं हम 3 दिवसीय हड़ताल 6, 7 और 8 को 12 घंटे की सवेरे 9 बजे से बैठे हैं और 3 दिन करेंगे। 13-14 को अक्टूबर में ही हम सरकार का पोल खोलो अभियान चलाएंगे, हम पर्चे बांटेंगे, पब्लिक में जाएंगे और सरकार को समझाएंगे कि भाई ये तो ठीक हो जाओ। नहीं हम 28-29 को 24 घंटे की 2 दिन की भूख हड़ताल करेंगे। धन्यवाद। ये हमारे कुछ रेगुलर कर्मचारी हैं और कुछ हमारे जो पालिका रोल पे हैं वो कर्मचारी हैं, कुछ एक हैं और ये लोग स्टेट लेवल पे ही इनका कोई अपना मैंडेट है, वो उसके रिगार्डिंग ये थोड़ा सा वो दिखा रहे हैं अपना। जी जी ये जो अभी हम तो एबसेंट लगाते ही हैं इन लोगों की, जो भी स्ट्राइक में शामिल होता है हम उसकी उस दिन की एबसेंट हमारे यहाँ लगती है। ठीक है, काम को हम डिसिप्लिन करते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में हम लोग काम करवाते हैं। रिसप्लिंग करके कि ऐसा नहीं 100% कर्मचारी स्ट्राइक पे नहीं जाता, कुछ एक लोग ही स्ट्राइक पे जाते हैं, बाकी दूसरे साइड के लोगों को रिसप्लिंग करके हम सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं।